श्री किशन चंद सैनी बाबा के परम भक्त थे। 1981 में लीवर का ज्वर हो गया उन्हें, जिससे वो उपचार के बावजूद भी काफ़ी समय से बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने ठीक होने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, पर एक दिन किशन चंद जी जब बाबा से प्रार्थना कर रहे थे उनके चित्र के सामने बैठकर, बाबा अभी तुम ही कुछ करो ना मेरे लिए, उन्हें बाबा की वाणी सुनाई दी, चिंता क्यों करता है, जा बाहर जा, वहाँ यादव आया है उसके साथ, मोटा वैद्य के पास चला जाना, उसकी दवा से ठीक हो जाएगा। बाबा आज तो यहाँ वो आएगा नहीं, क्योंकि आज तो मंगलवार है, वो तो हर सोमवार को यहाँ आता है, किशन जी ने कहा। बहस मत कर, जा, यादव बाहर खड़ा है, बाबा की वाणी कानों में पड़ी, ध्यान भंग हुआ, बाबा अंतर्धान हो गए। किशन जी घर से बाहर निकले तो देखा यादव जी खड़े थे, पूछा आज कैसे आ गए, बस यूं ही मन किया तो आ गया, यादव ने कहा। तुम जानते हो मोटा वैद्य को, बाबा की लीला की पूरी जानकारी देने के बाद किशन जी ने कहा। हाँ हाँ चलो वहीं चलते हैं, यादव ने कहा। किशन जी यादव जी के साथ वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने किशन जी की नब्ज़ देखी और दवा की एक पुड़िया दी, उसी पुड़िया से किशन जी को बिल्कुल ठीक कर दिया, उनकी 9 माह पुरानी बीमारी चली गई। बाबा की अप्रत्यक्ष प्रेरणा से यादव जी एक दिन पहले ही किशन जी के यहाँ आ गए, किशन जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए और उन्हें वैद्य जी के यहाँ जाने का आदेश दिया। किशन जी ने बाबे के आदेश सिरोधार्य किया और स्वस्थ हो गए। जय हो नीम करूरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो, बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु, जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो।